से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। यह घटना तब की है जब मैं फ्रीलांस काम करता था। आधी रात बीत चुकी थी और मैं अपने घर से डेस्कटॉप पर काम कर रहा था। अगले दिन के डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास लियो नाम का एक भारतीय नस्ल का कुत्ता था जिसकी अजीब आदत थी कि वह रात के समय टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना चाहता था। ऐसा ही एक रात जब मैं काम कर रहा था तो उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरी ओर देखने लगा, जैसे वह बोल रहा हो, चलो ब्रो, अपना टाइम आ गया, चलो बाहर चले। मेरे थके हुए दिमाग को कुछ ताजी हवा की जरूरत थी और मेरी अकड़ी पीठ को अच्छी तरह से चलने की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसका पट्टा उठाया और निकल पड़ा। लियो को हाल ही में टॉयलेट करने के लिए अपना नया पसंदीदा जगह मिला था जो बहुत ही जगह पर था। वहां जाने के लिए मेरी बिल्डिंग से बाईं ओर चलना था, दो और इमारतों को पार करना था और फिर मुख्य रोड से बाईं ओर जाना था जो कि एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाता था जो कि 20 से 25 मीटर आगे जाता था और अचानक समाप्त हो जाता था। रास्तों का दोनों किनारा जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था और वह जगह मूल रूप से एक ऐसा स्थान जहां लोग अपना कबाड़ फेंकते थे। वहां कुछ पुरानी कारें थी जिनके अंदर झाड़ियां उग चुकी थी और उनकी डालियां टूटी खिड़कियों से झांक रही थी। इस रास्ते के खत्म होते ही एक घना जंगल था जिसमें शायद ही कोई जाता होगा, लेकिन इस रास्ते के समाप्त होने से ठीक पहले इसके बाईं ओर एक पुरानी हालत में एक मंजिला ढांचा खड़ा था जिसके पीछे एक विशाल सूखा पीपल का पेड़ था जो कि अंधेरे में इसके ऊपर एक हुड वाले कोबरा की तरह खड़ा था। पहले यह एक पुराना सरकारी कार्यालय हुआ करता था लेकिन किसी कारणवश इसे खाली कर दिया गया। आधी रात होने के कारण गली सुनसान थी। उस रात गली के कुत्तों का गिरोह भी नहीं था। सड़क पर बहुत दूरी पर लैंप पोस्ट था जिससे बस उसी जगह पीली पीली रोशनी होती थी जिससे सड़क पर कहीं कहीं रोशनी थी। जैसे ही मैं लेफ्ट को इस रास्ते में आया, लियो मुझे तेजी से खींचने लगा। मैं डार्क जोन में प्रवेश कर गया। मेरा क्षेत्र होने के नाते अंधेरा मुझे इतना परेशान करने वाला नहीं था और स्वभाव से मैं भी अंधेरे में शांत ही रहता हूँ। मुझे वैसा डर या घबराहट नहीं होता, लेकिन मैं आसपास को लेकर थोड़ा जागरूक था। कहीं कोई सांप या जानवर जंगल से इधर तो नहीं आ रहा। लियो अपने स्थान पर पहुंच गया और हल्के जंगली घास में घूम घूम कर हर तरह की गंध का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह सब कुछ कर रहा था लेकिन वह जो करने आया था बस उसे नहीं कर रहा था और यह देखकर मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। मैं हाथ में एक लंबे पट्टे लिए हुए अब उब गया था और अपने स्वयं के विचारों में खो गया था। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं वापस पहुंचूं तो अपने काम को कैसे अंजाम दूं। मैंने उसे शांति से अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। कुछ मिनट बीत गए होंगे और हम अभी भी उसी स्थान पर थे और अचानक लियो को कुछ ऐसा लगा जिससे वह वास्तव में सतर्क हो गया और वह हल्के से घबराहट के साथ पुरानी हालत में पड़ी ढांचे की तरफ देखना शुरू कर दिया। ना जाने इतने अंधेरे में वह क्या देख रहा था। मैंने पूछा, लियो वहाँ क्या है, और उसने बस एक थोड़ा सा तेज गुर्रा कर जवाब दिया। अपने दाहिने पैर को एक जगह पर जमाए हुए, आंखें और कान को सीधे केंद्रित किए हुए वह उधर ही देखे जा रहा था और फिर वह कुछ कदम पीछे हट गया और मुझे ऐसा लगा कि उसने आसपास किसी जानवर को महसूस किया होगा, इसलिए मैंने धीरे से पट्टा हिलाया ताकि मैं
उसका ध्यान भटका सकूं और अपना काम करने के लिए मैं घर वापस जाऊं। लेकिन लियो हिल नहीं रहा था। मैं इमारत को देखते हुए बस वहीं जम गया था। सहज रूप से मैं वहीं उसके बगल में बैठ गया और उसके आंखों के समांतर अपनी आंखों को लाकर वहीं देखने लगा जहाँ लियो देख रहा था। जैसे जैसे मैंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखों को सामने अंधेरे में समायोजित करने की कोशिश की, चीजें थोड़ी साफ दिखने लगी। अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अधिक से अधिक समायोजित हो गई, मैं आसानी से सामने की संरचना को समझ सकता था, जो लगभग 30 फीट की थी। सामने की सीढ़ियों पर 4 स्टेप्स जो लगभग 15-20 फीट चौड़े खुले गलियारे की ओर ले जाती है, और मैं जानता था कि ये गलियारा दोनों तरफ बने और दो दीवारों की ओर ले जाता है। शीर्ष पर सीढ़ियों के किनारे दो खंभे और फिर एक बहुत ही नीची दीवार जो दोनों ओर के दो दरवाजों तक फैली हुई थी। पहले कुछ क्षणों में मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने गलियारे में कुछ हिलता हुआ देखा। एक अंधेरे छायादार आकृति धीमी गति से आराम से चल रही थी। वह छायादार आकृति मुझे स्त्री लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके बाल लंबे थे और खुले हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि उस ढांचे में कोई आता जाता नहीं था और ना ही वहाँ कोई रहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ कोई नहीं रह रहा था। मैं और लियो दोनों अब तक इसी चलती फिरती छाया पर स्थिर हो चुके थे। मेरा दिमाग यह विश्वास करना चाहता था कि यह एक वास्तविक मांस और हड्डियों वाला व्यक्ति था, लेकिन मैंने कभी अपने कुत्ते को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। परछाई गलियारे के ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जो अजीब लग रहा था वह यह थी कि चाल मानव चाल की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक ग्लाइडिंग मूवमेंट था। मैंने अपनी आंखों को फिर से एडजस्ट किया और जो मैं देख रहा था उसे और अधिक समझने की कोशिश कर रहा था। लियो अब और ज्यादा आक्रामक दिख रहा था, अपने पिछले पैरों को जमीन पर जोर जोर से ब्रश कर रहा था, लेकिन अब उसका धीरे घुर्राना बंद हो गया। फिर कुछ ही सेकंड बाद वह छाया गायब हो गई। तब वह सामने के दो खंभों के पार कर रही थी और अगले ही क्षण में वह फिर से बाएं से दाएं चला गया। तब से ऐसा लगा जैसे उसकी निगाह हमारी ओर हो गई हो, और अगले ही पल उस छाया का आकार बिखरने लगा। वह पिलर के पास गया, लेकिन दूसरी छाया नहीं आई, और बस उसी सेकंड में बाएं पिलर से एक काली बिल्ली जैसी आकृति दिखाई दी और प्रवेश द्वार से नीचे कूद गई और दाईं ओर सामने वाली झाड़ी में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये हमारी ओर पड़ रहा था, लेकिन यह इलाका झाड़ी और घास फूस से भरा पड़ा था और वहाँ वेट करने के सिवा कोई और तरीका नहीं था। यह जानने के लिए वह छाया हमारी तरफ आ रही थी। इस सिचुएशन तक मैं एक जिज्ञासु मोड पर था, लेकिन अब एक अंदर से कपकपी सी होने लगी और मेरा माइंड इस जगह से हटने के लिए चिल्ला रहा था। मैं उठा और अपने कुत्ते को जोर से खींचा, सचमुच उसे उस रास्ते से खींच लिया और किसी तरह दौड़ते हुए वापस मुख्य सड़क पर पहुंचा और अपनी सांस को नॉर्मल करने के लिए एक टूरिस्ट लैंप के नीचे खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो मैं केवल अनंत अंधकार और केवल भयानक सन्नाटा देख सकता था। मैं फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए घर वापस आ गया। इससे पहले के कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ था। मेरा दिमाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी आंखों ने अभी अभी क्या देखा। अगले ही सुबह मैं वहां गया और दिन के दौरान उत्सुकता से उस जगह की जांच की, और यहां अभी भी सब बंद लग रहा था और हमेशा की तरह खाली था। सूखे पत्ते, मकड़ी की जालियां और अछूती धूल की सेवा वह कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।